सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को सो दैट, और इस बेल आइकन पर क्लिक। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में वेस्टीज के इस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि अश्योर हेयर ऑयल। ये वेस्टीज का हेयर ऑयल है अश्योर, एंड ये अर्निका एंड टी ट्री जो है उसके एक्सट्रैक्ट से बना हुआ ये हेयर ऑयल। एंड अर्निका एक सनफ्लावर प्लांट से रिलेट करता है ये, एंड इसमें टी ट्री ऑयल भी है इसमें, जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा है एंड आपके स्काल्प के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको स्प्लिट एंड्स हैं तो वो एकदम इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा इस स्प्लिट एंड्स अगर आपको एंड अगर आपको डेंड्रफ है तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा आपको। टी ट्री ऑयल में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है टी ट्री ऑयल में, तो अगर आपको जैसे बालों में या स्काल्प में आपको स्वेलिंग है या फिर जो हो जाती है स्वेलिंग, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी एंड पूरी तरीके से डेंड्रफ एकदम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो भी इससे काले हो जाएंगे। अगर लेकिन आपको कम से कम मिनिमम 2-3 मंथ्स आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा, बट तभी आपको कुछ अच्छा सा रिजल्ट इससे मिलेगा अपने बालों के लिए। बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। एंड हाँ, इसके लंबा बालों इसका ये फ़ायदा है, एडवांटेज ये है कि बाल इससे बढ़ने लगते हैं, बाल काफ़ी इससे बढ़ते हैं। ये काफ़ी यूज़ किया गया अभी तक, और मैंने जिनको भी दिया है उनको कोई भी किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं आई है, सबको ये यूज़ हो रहा है। लेकिन उन्होंने काफ़ी 2-3 मंथ्स इसे यूज़ किया है तब जाके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपको इसको कम से कम 2-3 मंथ्स तो इसे यूज़ करना ही होगा। ये कुछ इस तरीके का है, ये 200 ml है एंड 170 का है, ये 170 का है एंड 200 ml है। एंड ये आपके बालों को, आपके स्काल्प को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है, आपको बालों में चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होगी एंड नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले इसको लगाना है, सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने बालों में लगाना है, इसे मसाज करनी है। 10-30 मिनट्स आप इसे मसाज करेंगे अगर अच्छे से, तो आपको तो काफ़ी आपको अच्छा बाल भी सही हो जाएंगे इससे आपके। 10-30 मिनट्स आपको नहाने से पहले मसाज करनी है, फिर अपना बाल धो लेने हैं आपको अपने, उसके बाद 30 मिनट्स के बाद अपने बाल धो लेने हैं शैम्पू से बाल धो के। फिर आप देखेंगे जब आपके बाल नहा के जब भी आप अपने बालों को देखेंगे तो बाल काफ़ी सिल्की और स्मूथ होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे आपके बाल। आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की है ये बॉटल। थैंक यू, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।